मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल विथ योर पेरेंट्स एंड एट प्रेजेंट यू हैव टू स्टे एट योर होम फॉर करेंट सिचुएशन लाइक COVID-19 विथ लॉकडाउन. सो आई विल ऑल्सो होप दैट you are watching our online videos through your mobile YouTube, and you have already knew that I have been taking many classes for first day of lockdown. So students, tum log jo CPA अप्रैल में 2020 का जो बैच हो, सेंटर में जितना तक हुआ था, तो लॉकडाउन के बाद घर में बैठ के हमने भी तुम लोगों का रिक्वेस्ट में हमारा जॉस टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर के तरफ से कुछ क्लास ले लिए. तो हम आज का जो हम पिछले क्लास में दिखाए थे टैली में हम क्या क्या कर सकते और कौन सी कितने टाइप ऑफ इन्वेंटोरीज वाउचर एंट्री हम कर सकते, तो उसमें एक आइटम है और एक चैप्टर है पॉइंट ऑफ सेल्स. तो इसका पूरा नाम और इसका एब्रिविएशन पार्ट है पॉज. इसका पॉज का पूरा नाम है, इसको पॉज एंट्री कहते हैं. इसका पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल्स. तो टैली में हम कैसे ये पॉइंट ऑफ सेल्स करेंगे, तो हम तो सेल्स वाउचर दिखा चुके हैं, सेल्स ऑर्डर, सेल्स चालान और डिलीवरी नोट एंड सेल्स बिल विथ क्रेडिट नोट्स और सेल्स रिटर्न एंड रिजेक्शन इन, तो सब हम दिखा दिए. तो नेक्स्ट जो सिलेबस में है, चैप्टर में है, तो पॉइंट ऑफ सेल्स और पॉज एंट्री, इसको पॉज एंट्री कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर लर्निंग इन टैली ERP 9 हाउ टू मेंटेन पॉज एंट्री और पॉइंट ऑफ सेल्स टैली ERP 9, एट फर्स्ट यू हैव टू लर्न द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स और व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेल्स. तो पॉइंट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है. तो देखो, पॉइंट ऑफ सेल्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव रिटेल बिलिंग एंड पेमेंट सिस्टम. तो पॉइंट ऑफ सेल क्या है, पॉइंट ऑफ सेल्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव रिटेल बिलिंग एंड पेमेंट सिस्टम नॉर्मली यूज इन एन एनवायरमेंट व्हेयर द कस्टमर पर्सनली सिलेक्ट आइटम्स ऑफ परचेस, इनवॉइसेस आर प्रिपेयर्ड वेरी फास्ट विथ वेरियस स्कीम एंड प्राइस ऑफर. कस्टमर मेक्स पेमेंट्स इनवॉइस बाय कैश, चेक, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, गिफ्ट वाउचर एंड गिफ्ट कूपन ओवर द काउंटर एंड चेक आउट. तो फिर से हम रिपीट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ सेल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेल और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेल्स. इसका एक ही आंसर होता है. तो पॉइंट ऑफ सेल इज ए कॉम्प्रिहेंसिव रिटेल बिलिंग एंड पेमेंट सिस्टम नॉर्मली यूज इन एन एनवायरमेंट व्हेयर द कस्टमर पर्सनली सिलेक्ट आइटम्स ऑफ परचेस, इनवॉइसेस आर प्रिपेयर्ड वेरी फास्ट विथ वेरियस स्कीम एंड प्राइस ऑफर्ड. कस्टमर मेक्स पेमेंट्स इन इनवॉइस बाय कैश, बाय चेक, बाय डेबिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय गिफ्ट वाउचर, बाय कूपन्स ओवर द काउंटर एंड चेक आउट. इसका क्या मतलब है, देखो, नॉर्मली जो सेल होता है इसमें कैश या क्रेडिट, आइदर कैश में पेमेंट होता है और कुछ सेल है चेक में पेमेंट होता है और कुछ क्रेडिट में पेमेंट होता है. लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ सेल है, और क्या है, हम जब कोई दुकान में जाते हैं तो दुकानदार हमको उसका आइटम हमको देते हैं, लेकिन हमको चूज करने का कोई मौका नहीं मिलते. लेकिन हम जब शॉपिंग मॉल ले जाते हैं
तो हमारा जो आइटम का जरूरत है वो हम खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में काउंटर में जाके उसका पेमेंट कर देते हैं। तो इसमें पर्सनली हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सी आइटम को हमको खरीदना है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, हम ये कैश, ये बहुत सारी मोड ऑफ पेमेंट में हम पेमेंट कर सकते हैं, लाइक कैश में पेमेंट कर सकते, कुछ कुछ चेक में पेमेंट कर सकते, कुछ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते। वो पहले जो हम गिफ्ट वाउचर मिला है उस दुकान से, उस गिफ्ट वाउचर से और गिफ्ट कूपन से हम एडजस्ट किया करते हैं, तो ओवर द काउंटर एंड चेकआउट। तो ये मतलब है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल का प्रोसेस है पोस्ट वाउचर टाइपिंग टाइप्स क्रिएशन एंड सिलेक्शन, पोस्ट वाउचर क्लासेस क्रिएशन एंड सिलेक्शन, पोस्ट वाउचर एंट्री क्रिएशन, पोस्ट इनवॉइस प्रिंटिंग और एंड लास्ट में पोस्ट रजिस्टर। ये सारी प्रोसेस है पोस्ट पॉइंट ऑफ सेल्स अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए।